Right, uh, अगला सवाल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से इज अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग अ सर्कल इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड बट द स्पीड रिमेन्स द सेम देन हमारे ऑप्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन डायरेक्शन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल नाउ सारी कहानी हमें सेंट्रिपिटल फोर्स की करनी है यहाँ पे तो सुने so, सो सिंपल सवाल है ये आपका पार्टिकल मान लीजिए Uh, पहले एक मोशन कर रहा था लेट uh, से पहले मोशन कर रहा था आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सो so, यहां से पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे जा रहा था अब आपने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है और अब आपका पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है right? अब हमें बताना है सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होएगा, ना सेंट्रीपिटल फोर्स का बायथ्योरी हमें पता है जब लेट से इस पॉइंट पे आपका पार्टिकल है तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन सेंटर की तरफ होएगा तो इस पॉइंट पे पार्टिकल है सेंटर की तरफ आपका एक्सेलेशन होएगा सो यहाँ पार्टिकल है इधर आएगा सेंट्रल डायरेक्शन uh, में ये आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन होंगे और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको आप लिखोगे एफ सी इज एम कॉन्स्टेंट स्पीड है तो हम इसको लिखेंगे वी स्क्वायर बाय आर यहाँ पर भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा एम v स्क्वायर बाय आठ नाव या माह में वी स में आ से में तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा uh, तो हमारा पहला ऑप्शन है सेंट्रिपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ये आपका राइट right ऑप्शन है सेकेंड कहता है सेंट्रिपिटल फोर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन रिवर्स नाउ ये सही नहीं है सेंट्रिपिटल uh, की डायरेक्शन जिस भी पॉइंट पर आपका पार्टिकल है हमेशा उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ पॉइंटेड होगी चाहे उसका मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो रहा हो राइट सो इट डजेंट मैटर तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है सी ऑप्शन uh, कहता है द सेंट्रीपिटल फोर्स विल नॉट सफ़र एनी चेंज इन डायरेक्शन ये बात भी सही है बिकॉज कि डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होएगी ऑप्शन डी है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डबल नाउ ये बात गलत है हालांकि सब आपने चार ऑप्शन ढूंढ लेते हैं जिसमें ए ओ सी सही हो बी बी सी सी डी ऑल एंड विच मीन्स ऑप्शन नंबर फोर ए सी वुड बी द राइट आंसर आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया